सत चैतन्य सत चैतन्य सत चैतन्य आज का शब्द है हम तो ध्यान करेंगे ध्यान ध्यान बिन मनवा नहीं भरे जी। हम तो ध्यान करेंगे ध्यान ध्यान बिना मनवा नहीं भरे जी। कस्तूरी तो मृगा नाभ बसत है बन बन भटके मृगा खोजी थक गिरे जब मृगा खोजी मृग तृष्णा तुरत मरे जी। घट माहे वो जोत जलत है बाहर घी की जोत जलावे आंख तीसरी की पलक खुले तो अंतःकरण को रोशन करे जी। घट माहे वो नाद बजत है शंख घड़ावल मंदिर बजावे घट अपने की सुध लेवे तो अंतर्वाणी सुभर करे जी। सुन्न शिखर से गंग बहत है बाहर करे जलधारा सत चैतन्य से योग करे तो मन की तपन तुरंत मरे जी। हम तो ध्यान करेंगे ध्यान ध्यान बिन मनवा नहीं भरे जी। ये आपका शब्द है पर इससे पहले इसमें प्रवेश करने से पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा भी इसी शब्द से संबंध रखती है परंतु वो बहुत जरूरी है। वो आपके रास्ते के बारे में है कि आपका रास्ता क्या है आपको अपने रास्ते की पहचान तो होनी चाहिए। रास्ते की ही पहचान नहीं है तो उसे नहीं जानते तो पहुंचोगे कहाँ कहीं नहीं जा सकते। अगर रास्ते को आपने पहचान लिया समझो आधा काम हो गया। आधा काम उस पर चलने से हो जाएगा तो आपने अपने रास्ते के बारे में पता होना चाहिए
कि हमारा रास्ता क्या है, हमारे रास्ते का क्या नाम है, इतना तो पता ही होना चाहिए। ये खुद के लिए भी ठीक है, इससे आपका भी लाभ है और कोई दूसरा भी आपसे पूछे तो आप कुछ बता सको, उसको परिचय दे सको कि ये रास्ता है, उसको भी लाभ हो सके। तो रास्ते की पहचान बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। काफ़ी समय से मैं आपको उसके बारे में बताता रहा हूँ, उस पर तो एक पुस्तक भी लिखी है आत्मयोग पर। तो आपका रास्ता आत्मयोग है, ये आपने समझ लेना चाहिए कि हमारा रास्ता आत्मयोग है। आत्मयोग का क्या मतलब? अपनी ही जागृत आत्मा से एकपन। आप एक जागृत आत्मा हो, होश का रूप हो, अपने जागृत स्वरूप से ही एकपन करना, उसका पालन करना, उसमें ठहरना, अपनी जागृत चेतन आत्मा के अनुसार चलना, बस थोड़े शब्दों में तो आत्मयोग यही है। आत्म अनुसरण, किसी और का अनुसरण नहीं, केवल आपकी अंतरात्मा है, बाहर से पलटकर, हर तरह से पलटकर अपने में आ जाओ, अपने पर पलट जाओ, अपने पर ठहर जाओ और अपने आप को ठीक से सुनो, पूरे ढंग से सुनो। आपकी आत्मा की आवाज़ बड़ी पवित्र होती है, बड़ी पूर्ण होती है, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतना कर सको, छोटी सी चाबी है, बस ये चाबी ले लो, यही चाबी मैं आपको देता आ रहा हूँ। केशव भंडारों की ये एक ही चाबी है, सब ज्ञानों की एक ही ये चाबी है, सारे के सारा जो कुछ है, सारा अस्तित्व है, उसको खोलने की, पाने की, व्यक्त करने की ये एक ही विधि है और कोई भी विधि नहीं है। मैं ये भी कह देता हूँ कि जब तक तुम अपने को ही नहीं सुनोगे तो मेरे को कैसे सुन सकते हो, किसी शास्त्र को कैसे सुन सकते हो, किसी धर्म को कैसे सुन सकते हो। पहली शर्त तो ये ही है कि अपने आप को सुनो, सब कुछ और कुछ नहीं है। गुरु को सुनना के शास्त्र को सुनना, इसके गहरे में स्वयं को सुनना है। जो स्वयं को नहीं सुनता वो किसी चीज़ को नहीं सुन सकता। अब मैं किसी को कहूँ देखो भाई शराब नहीं पीनी है, पहले तो उसकी आत्मा ही कह रही है कि शराब मत पी, वो अपनी आत्मा की नहीं सुनता तो यहाँ आ जाता है कि गुरु बताए तो शराब छोड़ दूँ। लेकिन मेरे भी क्यों सुनेगा जब वो अपनी आत्मा की नहीं सुनता। गुरु तो पहले ही उसके अंदर हुक्म दे रहा है, उसके अंदर बैठा है कि शराब मत पी, वही नहीं सुनता तो मेरे भी नहीं सुन सकता, क्योंकि गुरु तो मेरे से पहले तुम्हारे अंदर बैठा है। उसकी सुनोगे तो मेरी सुनोगे,
उस पर अमल करोगे तो मेरी जो जो ये प्रवचन है इस पर अमल करोगे, किसी शास्त्र पर अमल करोगे। सबसे पहले शर्त है कि अपने आप को सुनो, बाकी तुमने फिर कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही तो कहता हूँ जो आपकी आत्मा कहती है, क्या उसे अलग कहता हूँ? वही कहता हूँ जो आपकी आत्मा कहती है, बल्कि आपकी आत्मा मेरे से भी अच्छी तरह से कहती है। वो तो आपके सबसे नज़दीक है, आपका ही अंदरूनी स्वरूप है, वही आपको कह रहा है। वो तो मेरे से भी अच्छी तरह से कह रहा है, किसी भी शास्त्र से धर्म से भी अच्छी तरह से तुमको समझा रहा है, तुम उसकी सुनते नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि आपका आधार आप पर हो जाए, आप स्वतंत्र हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, आपको किसी की सहायता ना लेनी पड़े, संसार के लिए भी और ज्ञान के लिए भी। आपके अंदर सब कुछ है, आप अपने को केंद्र बना करके देखो, एक बार अपने को सुन करके देखो, एक बार अपने में ठहर करके देखो। तुम तो सारी सत्ता में ठहर जाओगे, लेकिन ये है कि तुम ठहर नहीं पाते, उसे सुन नहीं पाते। सुनोगे सब पालोगे, सारी सत्ता में ठहर जाओगे, सारी सत्ता को पालोगे। जितना अस्तित्व है उसी का तो तुम स्वरूप हो। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आदमी के अंदर से ना निकला हो। कितने धर्म हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, ताओ धर्म है, अनेकों धर्म हैं जगत में। वो कोई आकाश से नहीं पड़े हैं, वो कोई मिट्टी से नहीं निकले हैं। उसकी किसी वैज्ञानिक ने बाहर से पदार्थ से खोज नहीं की है। वो सारे आत्मा है, जो हमारी आत्मा अंदर है उसी से प्रकट हुए हैं। जितने शास्त्र हैं, जितने धर्म हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो आदमी के अंदर से प्रकट हुए हैं। आदमी के अंदर से प्रकट हुए हैं तो आदमी के अंदर ही होंगे वो। तो जिसने अपने आप को सुना है, अपने आप का पालन किया है, उन्होंने धर्म बाहर निकाल दिए, उन्होंने विज्ञान बाहर निकाल दिए, उन्होंने शास्त्र बाहर निकाल दिए हैं, अपनी आत्मा को बाहर खड़ी कर दिया है। कहीं से नहीं आता है कुछ भी। जितना भी उत्पादन है, जितना भी विज्ञान है, जितना भी धर्म है, जितना भी जो कुछ बाहर आपको व्यक्त रूप में देख रहे हो, ये सारी आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है, आपके अंदर से बाहर होया है। तो जो कुछ भी है आपसे बाहर नहीं है और हो नहीं सकता है। आप सिर्फ एक काम नहीं करते, अपने आप में नहीं ठहरते, अपने आप को नहीं सुनते, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते। एक ये आत्म अनुसरण की आप एक चाबी ले लो तो बात बन जाएगी। आत्म अनुसरण, अपना ही पालन कितना आसान काम है। किसी को मत्था नहीं टेकना, किसी शास्त्र पर आश्रित नहीं होना, किसी बाहरी गुरु पर या देवता पर, देवी देवता पर, अलौकिक ईश्वर पर कहीं तुमने आश्रित होना ही नहीं है। केवल तुम अपने से एक नहीं हो सकते, कितना आसान और सहज काम है। सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है। पालन करो, आत्मनिर्भर हो जाओ, अपने आप को सेंटर में रखो, अपना आधार अपने आप पर बना लो। बेहिचक हो करके डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मैं तुम्हें छुटा छुटा के कुछ नहीं करना चाहता, तुम पर ही छोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा या गुरु का, किसी धर्म का असर तुम पर रह जाए थोड़ा सा भी। मैं चाहता हूँ तुम निरोल हो जाओ, ओरिजिनल जैसे हो तुम, बस वैसे ही हो जाओ। मेरी तो बस यही भावना है, मेरी तो परछाई भी तुम पर ना रह जाए, सिर्फ तुम रह जाओ। आखिर में
ऐसी मेरी चेष्टा है कि सिर्फ तुम रह जाओ, पवित्र ओरिजिनल जो भी तुम हो केवल तुम रह जाओ, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का मिश्रण ना हो सके। थोड़ी सी भी बाहर की छाप आप पर ना बचे, केवल आप रह जाएं। जब केवल आप रह गए तो बात बन जाएगी। तो गुरु तो ऐसा होता है जैसे पानी, पानी किसी पर अपने आप को लादता नहीं है कि मैं अपने प्रवचनों के जरिए से मैं आपको अपने पीछे लगा लूं, अपनी भक्ति करवा लूं, कि मैं अपने आप को तुम्हारे अंदर खड़ा कर दूं। तुम्हारे स्वरूप के स्थान पर मैं अपने आप को नहीं खड़ा कर सकता, तुम्हारे स्वरूप पर मैं तुमको ही देखना चाहता हूँ। तो गुरु जो होता है एक तरह से पानी जैसा होता है। तुम स्नान करते हो, तुम्हारा मैल उतर जाता है, पानी तुम्हारे शरीर पर नहीं ठहरता। क्या ठहरता है? स्नान करते हो, पानी तुम्हारा मैल उतार देता है शरीर का, लेकिन तुम्हारे शरीर पर नहीं ठहरता है। उसने अपना काम किया सफाई का, तुम्हारे शरीर से दूर हो गया, कुछ रह जाता है गिल्ला तो तुम तौलिए से पोंछ देते हो। बस गुरु को इतना ही ले लो आप कि अपनी पवित्रता का साधन ले लो। गुरु तुम्हारे ऊपर चिपक के नहीं रह सकता। अगर कोई गुरु तुम्हारे ऊपर चिपक जाता है, समझो वहाँ गुरु नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप नहीं देगा। बस सबसे बड़ा नुकसान है। अगर कोई परछाई, कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर हमारा पड़ भी जाता है तो तौलिए से पहुँच दो उसको, सरल तुम निरोल रह जाओ। ये खरी बात बताता हूँ, इसके बगैर तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं है। कुछ नहीं करना, सहज बात है, किसी की नकल नहीं करना। तुमने केवल अपने समान होना है। कितनी सहज और सरल बात है कि तुमने केवल अपने समान होना है, जैसे तुम हो वैसा ही होना है बस। और इसके लिए तो तुमने आत्मानुसरण करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तुम अपना ही पालन ना करोगे तो अपने कैसे कैसे हो जाओगे? अपने कैसे तभी हो सकते हो जो तुम अपना पालन करोगे, अपने से एकपन करोगे तभी हो सकते हो। मैं तुमको भटका नहीं रहा हूँ, भटक गए हो तो मैं ठिकाने ला रहा हूँ कि ये सत्संग ऐसा सुनाता हूँ कि तुम किसी तरह से केवल अपने पर केंद्रित हो जाओ और अपने आप को ठीक से सुनो, उसका पालन कर लो। सीधा रास्ता है ये, आपका आत्मयोग है। आप से दूजे मत होना। अनमोला लाल है घटमाही, चौकस होके रहना। भाई तू आपे से दूजा मत हो जाना। अनमोला लाल है घट में, भाई चौकस होके रह जाना। चौकस होके रहना, ये घट है, ये शरीर है, शरीर का नाम घट है। इसके अंदर अनमोला लाल है, उसका कोई मोल नहीं है। मोल उसका हो सकता है अगर उसकी कोई सीमा हो, अगर उसका कोई तोल हो। जो चीज़ तोल ली जाती है उसका मोल भी हो सकता है, लेकिन आप तो अनतोल्य हो, अनघड़िया हो, असम हो, निराकार हो, सच्चैतन्य हो, चैतन्य हो, आत्मा। इसको तोला नहीं जा सकता है, तोला नहीं जा सकता, इसका कोई मोल नहीं है, तुम कोई मात्रा नहीं हो। तुम ही हो वो लाल भाई, चौकस होके रहना। भाई तुम आपे से दूजा मत होना। आपे से दूजा हुए और तुम्हारी दुर्गति हुई। दुर्गति का अर्थ है कि तुम्हारी गति दूसरी ओर शुरू हो गई। जिस ओर गति होनी चाहिए थी उस ओर तुम्हारी गति नहीं रही। तुम्हारी गति स्वयं की ओर होनी चाहिए थी, तुम्हारी गति तुम्हारे से दूर जाने के लिए हो गई। दुर्गति का इसी का मतलब है कि जो गति तुमको तुम्हारे से दूर ले जाए। चौकस होके रहना, चौकस होने का क्या मतलब है? जागृत रहना, होश में रहना। ऐसा ना हो कि तुम अपने से दूजे हो जाओ। दूजे से, अपने से दूजे होने का मेरा क्या अर्थ है? कि तुम अपने आप से भूले हुए हो जाओ,
बाकी तुमको सब कुछ याद रहे, ये अपने से दूजा होना है। आप किसी देवी देवता की भक्ति करते हो, वो आपने अपने अंदर स्थापित कर लिया। जैसे हनुमान को बताते हैं ना कि भी कि क्या गवाही है तेरे पास कि रामचंद्र जी का तुम भगत है, क्या गवाही है। उसने अपना ये हृदय चीर के दिखाया कि ये मेरे अंदर राम लक्ष्मण बैठे हैं। अब ये हैं तो भक्ति की बातें, लेकिन आत्मयोग में ये स्वीकार नहीं है। हमने तो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना था, हमने तो निर्मल और पवित्र ओरिजिनल होना था बिल्कुल, और हमने रख लिया बाहर की तस्वीर हृदय में मन में अपने सारे अंतःकरण में समा लिया किसी दूसरे को। तुम तो नहीं रहे, दूजा हो गया तुम्हारे स्थान पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर रम गया वो। ये बातें समझने की हैं। सत्संग को समझो, जरा ध्यान से समझो कि क्या कहा जा रहा है ये असल में, कि किसी दूसरे को किसी दूसरी चीज़ को अंदर स्थान मत दो, तुम्हारे अंदर केवल तुम रहो, तुम्हारे रूप में केवल तुम रहो। ऐसा निरोल स्वरूप तुमने धारण तो कर लिया तो तुम सत्ता हो गए, परमात्मा हो गए। तुम्हें पाने की जरूरत नहीं है परमात्मा की, तुम परमात्मा ही हो गए। तो जो अंदर की बातें बताता हूँ, अपने स्थान पर किसी और को अंदर रख लेना, ये आपे से दूजा होना है। इसलिए कहता कि भाई आपे से दूजा मत होना, जागृत रहना। एक और तुमने दृष्टांत की बात बताऊं, हीर हीर बैठे थे ऐसे किसी नदी के किनारे, रांझा के सुमरण में थी, रांझा उसके सुमरण में थी, उसके सुमरण में ही रहती थी। तो सखियां उसके पास भी आवाज लगाई के हीर ए हीर, उसकी जो उसका अपना नाम ना सुनाई दिया उसने। तो एक सखी थी उसकी, जाकर के उसने उसको ऐसे धधेड़ा के ए हीर। तो उसने देखा कि कोई सखी बोल रही है मेरी। तो हीर ने क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया कि ए सखियो, मुझे हीर ना आखे कोई, मैं रंजा करती करती रंजा होई। अब ये बात तो आपको बहुत बढ़िया लगती होगी, भक्ति की, प्रेम की, प्यार की लगती होगी, लेकिन ये और कुछ नहीं है, ये अपने आप से बिसर जाना है। हीर नहीं रही, हीर के स्थान पर रंजा हो गया, वहाँ सत्ता नहीं रही, वहाँ ख्याल रह गया, वहाँ सत्ता नहीं रही, वहाँ ख्याल रह गया, खाली ख्याल। तो इस ख्याल का तुमने क्या करना है जब तुम ही नहीं हो? भीतर कौन हो गया? तुम्हारे स्वरूप के स्थान पर कौन हो गया? हीर के स्वरूप के स्थान पर कौन हो गया? उसका प्रेमी हो गया। मैं इसलिए कहता हूँ कि तुमने भक्ति तो गुरु की भी नहीं करनी, किसी की भक्ति करनी नहीं है, करनी सबसे बड़ी बाधा है आत्मयोग में और तुम्हारे स्वरूप के रास्ते में। विचार करो, जागृत रहो, अपने अंदर ठहरो, इसमें है ये परम भक्ति लगा लो। परम भक्ति तुमने करनी है, माना कि तुम बाहर की भक्ति में छटवा देता हूँ तो तुम परम भक्ति कर लो, भक्ति छोड़ के राजी नहीं हो तो तुम अपनी आत्मा का पालन कर लो, या क्या छोटी भक्ति है? भक्ति ही करनी है तो आत्म अनुसरण कर लो, ये तत्व भक्ति है। इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, इससे तुम्हारा रास्ता तय हो जाएगा। नहीं तो तुम व्यक्तियों की रूपों की भक्ति करते रहोगे और सर्वव्यापक से चूक जाओगे। व्यक्तियों की, व्यक्ति रूपों की, अवतारों की, देवी देवताओं की, किसी अलौकिक ईश्वर की तुम कल्पना करते रहोगे, लेकिन अपने आप से दूर रहोगे। अगर अपने आप से दूर रह गए तो नरक में रह गए तुम। जब किसी की अपने अंदर ठहराव ना रहे, सारा का सारा बाहर जुड़ जाए, उसकी हालत देखना कैसी हो जाती है, वो कितना बेचैन हो जाता है अपने अंदर ठहरने के लिए। तो ठहरो, अपने अंदर ठहरो, ये तुम्हारा आत्मयोग है। आत्मयोग को समझते हो? मैं क्या समझा रहा हूँ, आत्मयोग का क्या अर्थ है,
ये आत्म योग समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा रास्ता है। कोई पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा रास्ता आत्म योग है, हम रास्ते में योग पर चलते हैं। आत्म योग को तुमने चुनाव कर लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा सिद्धांत है आत्म योग का, हम इस पर चलेंगे। आपने मानना चाहिए कि हम आत्म योगी हैं। कोई नहीं मानता होगा यहाँ कि हम आत्म योगी हैं। अपने आप को आत्म योगी मानो, तुम्हारी पहचान तुम्हें ही नहीं है तो दूसरे कैसे करेंगे। अपने आप को आत्म योगी मानो, तुम्हें जो अपना रास्ता समझ में आ जाएगा उसके अनुसार चलो। अभी नहीं गया, तुम्हें रास्ते का नहीं पता है, तुमने अपनी भी पहचान नहीं है, तुम आगे नहीं सरक सकते, तुम तो बिखरे हुए रह जाओगे। तुम कुछ बता सकते न तुम कुछ पता है। तो आत्म योग के बारे में मैंने इतना सहजदे ही बता दिया है कि आत्म योग का अर्थ है बाहर से सिमट कर और अपने पर लौट आओ, उसमें ठहरने की कोशिश करो, जो तुम्हारी आत्मा कहती है उसका अनुसरण करो, उसका पालन करो, तुम्हें दुख हो नहीं सकता। तुम सदा प्रेमी रहोगे, तुम एकपन में रहोगे, तुम सदा त्याग में रहोगे। समझते हैं, तुमको सदा नए नए अनुभव होंगे अगर तुम अपने आप में ठहर गए और अपना अनुसरण करने लग गए। तुम्हें अंदर से खुराक मिलेगी अगर तुमने अपने आप से जुड़ाव कर लिया है। तुमको अंदर से खुराक मिलेगी। तुमने देखा होगा पक्षियों को, वो अंडे दे देते हैं अपने घोंसले में, तो जो पक्षी होता है अंडे में, वो अपने बच्चों को कुछ खिला तो सकता नहीं। क्या खिला सकता है? अंडों में खिलाने का रास्ता ही नहीं है, न वो खाने के योग्य हैं। अंदर जो होता है उसके अंदर बच्चा जो बढ़ रहा है, तो वो पक्षी क्या करता है? वो पक्षी अपने अंडों के ऊपर बैठता है और उनको गर्मी पहुंचाता है। मैंने देखा है कि ये जो हैं पक्षी अपने अंडों पर बैठ जाते हैं और थोड़ी सी कंपन देते हैं ऐसे बैठ करके, यानी कि जो उनकी अपनी ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, ऊष्मा है, गर्मी है, जो पक्षी की अपनी हृदय की लगाओ, शरीर की लगाओ, वो अंडों में छोड़ता है, जैसे रेडिएशन के द्वारा उनके अंदर चली जाती है और उस ऊष्मा को ले ले करके वो बच्चे जो हैं अंदर बढ़ते रहते हैं। उस पक्षी की खुराक को जो दिखाई भी नहीं देती है, जो पदार्थ के रूप में नहीं है, अप्रकट ऊर्जा है, और वो पक्षी उसको ले रहे हैं अंदर जो अंडे में है। धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है, उनमें चोंच भी बन रही है, उनमें पंख भी बन रहे हैं, उनकी देह विकसित हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो अंडा होता है वो टूट जाता है। क्यों टूट गया? क्योंकि वो अंदर से बढ़ रहे थे इसलिए टूट गया। उनको खुराक मिल रही थी इसलिए अंदर से वो बढ़ रहे थे इसीलिए वो जो खोल टूट गया अंडे का, और वो तो पंख अंदर लगा ही थी, टूटा तो आकाश में उड़ गए। इसी प्रकार अगर तुम अंदर से खुराक लेने लगो, आत्मा में ठहर के आत्मा का अनुसरण करने लगो, उसके साथ एक रहने लगो, तो तुम्हें अंदर से एक ऊर्जा मिलेगी। जैसे उन अंडों को बाहर से ऊर्जा मिलती थी ना पक्षी से, वो धीरे धीरे बड़े हो गए तो वो अंडा जो है टूट गया और पक्षी उड़ गए। तो इसी प्रकार तुम ध्यान करो, अंदर जाओ, आत्मा में ठहरो, तुम्हारी जड़ समझो अंदर जम गई। आत्मा में ठहरते ही तुम्हारी जड़ भीतर चली गई, भीतर से वो ऊर्जा आएगी तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे अंतःकरण को विकसित कर देगी, थोड़ा सा बड़ा और विशाल कर देगी। तो तुम्हारा ये अहंकार का छिलका बच नहीं सकता है, जब क्योंकि तुम्हें अंदर से खुराक ली और तुम बड़े हो गए, बाहर का छिलका कैसे बचेगा? ये छिलका तोड़ने से नहीं टूट सकता, ये खुराक लेने से और बढ़ने से टूट सकता है, और इसके लिए तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा। वो खुराक को तुमने अपने अंदर से लेना ही लेना पड़ेगा। फिर ये बाहर के खोल हैं,
ये तुम्हारे नाम के हैं, शरीर के हैं, जाति पाति के हैं, धर्म के हैं, विदेश के हैं, संस्कार के हैं, अनेकों प्रकार के आवरण और कवच तुम पर जो पड़े हुए हैं उनको तुम छोड़ नहीं सकते अगर तुम अंदर से बड़े नहीं हुए। अंदर से बड़े होने के लिए अंदर से खुराक लेने की आवश्यकता है, इसलिए अंदर से खुराक लोगे तो तुमने अपनी आत्मा में आना ही आना पड़ेगा। पहले आत्मा में आ जाओ, उसमें ठहर जाओ, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तुमने कुछ नहीं करने की जरूरत है। कई बार देखते हैं ना, मैंने भी देखा है, जब सर्दियां आ जाती थी तो मैं पहाड़ी रहता था, एक गांव मैंने उसको जो था गांव थी मेरे पास, वो क्या होता था, सर्दी आती थी तो उसकी रूम होती ना, रूम वो गिर जाती थी और नई रूम आ जाती थी उस पर, नए बाल छोटे छोटे सफ़ेद। वो कब आते थे, वो सर्दियों में आते थे, गर्मियों में वो तंग रहती थी, उसको पूरी खुराक नहीं मिलती थी, सर्दियों में उसको सुविधा होगी, ठीक से खुराक लेती है, थोड़ी सी वो मोटी हो जाती थी सर्दियों में, वो मोटी होने के वजह से वो उस पर और उसके रूम ठहर नहीं सकते। ये मैं समझा रहा हूँ कि तुम खुराक न लोगे तो तुम रूम नहीं घेर सकते, अपने कवच तुम्हारे नहीं गिर सकते, तुम्हारी धारणाएं नहीं गिर सकती। तुम हिंदू तो हिंदू रहोगे, मुसलमान तो मुसलमान रहोगे, जाट हो तो जाट रहोगे, काले हो तो काले रहोगे, भूरे हो तो भूरे रहोगे, कितने आवरण हैं, देसी है तो देसी रहोगे, विदेशी है तो विदेशी रहोगे। जब तक तुम अंदर से विशाल ना हो जाए, जब तक तुम अंदर से ना जाग जाओ, अंदर से भरने की जरूरत है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत, अंदर से भर लो अगर बाहर के आवरण उतारने हैं। अरे कम से कम एक सांप होता है साल भर में, वो भी कांजली उतार देता है, कांजली उतारने के बाद देखो कैसा चमकीला हो जाता है, और वो वैसे नहीं उतारता कांजली। अगर सांप यों का त्यों रहे तो कांजली उतारने की जरूरत नहीं है, उतरेगी भी नहीं। सांप पहले की बजाय थोड़ा मोटा हो जाता है, वो कांजली अब उस पर फिट नहीं आती है, वो कुदरतन उतर जाती है। तुमने इतना ही जानवरों का अनुसरण कर लो अगर तुम आत्मा का नहीं कर सकते, बाहर से ही अनुसरण करके जाग जाओ, कम से कम वो भी आत्मयोग हो जाएगा। जागने में ही आत्मयोग और कहीं नहीं है, तुम जाग जाओ किसी तरह से और अपने आप पर लौट आओ। आप तो जहाँ जाते हो आपे से दूजे हो जाते हो, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, तीर्थ गए तीर्थ राम, कहीं जाओ वैसे ही हो जाते हो। पहलवानों के खाड़े में जाओ तो पहलवान तुम बन जाते हो, नेता के पास जाओ तो नेता तुम बनना चाहते हो, महात्मा के पास जाओ तो महात्मा तुम बनने जाते हो, धनी के पास ले जाओ धनी तुम बनना चाहते हो। तुम अपने जैसा रहना ही कब चाहते हो, नहीं रहना चाहते। सारा आत्म यही है कि आपे से दूजा मत हो जाना, आपे के समान बनते चले जाना, देखना फिर तुम्हें क्या मिलता है, वो मैं बता तो सकता नहीं। ऐसा करोगे तो तुमको अनुभव हो जाएगा, ऐसा ना करोगे तो मेरे बताने से बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। अब छोटा बच्चा जवानी के बारे में क्या समझ सकता है, छोटा बच्चा जवानी के बारे में कुछ नहीं समझ सकता है। जवानी के सवाल कर सकता है कि जवानी कैसी होती है, मैं बता सकता हूँ, आप बता सकते हैं कि जवानी ऐसी होती है, ताकत से भरपूर होती है, बिल्कुल मैच्योर होती है, बिल्कुल जो है शक्ति से भरपूर होती है, ताजी होती है, समर्थ होती है, कैसी अवस्था होती है, नई नई। बच्चे को क्या पता बेचारे को, मेरे बताने से किसी के बताने से बच्चे को जवानी का पता नहीं चल सकता है। बच्चे को जवानी का पता जब चलेगा, जब बच्चा जवान हो जाएगा। तो ये सारे मैं इशारे कर रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, जो तुमको मिलेगा वो तुम्हारे आप से मिलेगा। तुम थोड़े से विकसित हो जाओगे, थोड़े से और उभर जाओगे, अंदर से थोड़े से और तुम मोटे हो जाओगे, कहने का मतलब और उन्नत हो जाओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बातें क्या कह रहे थे। इसलिए करने की जरूरत है, करनी करो, जैसा है मैंने बताया,
ये तो मेरे पर आश्रित होने जरूरत नहीं है, किसी पर भी आश्रित होने की जरूरत नहीं है, शास्त्र के धर्म पर तुम एक निर्णय बना लो, आश्रित तुमने अपने आप पर होना है। ये बात दूसरी है, जैसे तुम यहाँ आकर के बैठ गए और मैं तुमको समझा रहा हूँ और तुम समझ रहे हो, ये मैं इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ और इकट्ठे कर रहा हूँ कि अगर तुम उसको बात की समझ ना हो तो तुम्हें समझ हो जाए, फिर तुम स्वतंत्र हो जाओ। मैं तुमको आत्मनिर्भर करने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए ही यहाँ बुलाता हूँ, इसलिए नहीं बुलाता हूँ कि तुम भक्ति करो मेरी के मेरे पीछे लगो के संगत को बढ़ा दो, बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है। तुम किसी तरह से विकसित हो जाओ, बस इतना ही। अगर तुम खुद नहीं चल सकते, थोड़ी सी देर उंगली पकड़ के चल लो, समय तो ऐसा आना ही चाहिए कि तुम उंगली छोड़ कर भी चल सको। बच्चा है मानो, आप बच्चे हैं मानो, इतनी समझ नहीं है कि तुम अनुसरण कर सको, तो इतना कर लो साइड में, तुम ठीक से सत्संग सुनो, समझो, ये इतना ही कि थोड़ा मेरे कहे का पालन कर लो, ये थोड़ी सी देर इतना है। जैसे बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलता है, वो सदा के लिए तो उंगली नहीं पकड़े रहता, वो कुछ समय के लिए पकड़ता है, जब तक वो समर्थ नहीं हो जाता खुद चलने के, जब तक वो अपने माता पिता की उंगली पकड़ता है, उसके बाद वो उंगली नहीं पकड़ता है, स्वतंत्र हो जाता है, छोड़ के चलता है, आप दौड़ता है। लेकिन हम की क्या 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 हो गया हम सबको, हमने तो जिसकी उंगली पकड़ ली, उंगली पकड़ना ही चाहते हैं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, हम तो बंधना चाहते हैं, छोड़ करके स्वतंत्र होकर के हम घूमना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ का उपदेश ऐसा नहीं है, अगर उंगली ही पकड़ते हो, सारा ही लेते हो प्रवचनों का, विधियों का, बताने का, तो ये थोड़ी सी देर के लिए है, सदा के लिए नहीं है आपके लिए। ये तो बस उंगली पकड़ के चलना सीखना है, अगर सीख गए तो तुम उंगली मत पकड़ना, कोई गुरु तुमको सीखने के बाद अपनी उंगली पकड़ता है तो उसे दूर भाग जाना, समझो वो तुम्हारा शिकार कर रहा है। अगर गुरु चाहता है कि तुम सदा मेरी उंगली पकड़े रहो, वो तुम्हारा शिकार कर रहा है, वो शिकारी है, वो गुरु नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, समाज में किसी को नहीं पता है इन लोगों का, और ये पकड़ाते हैं उंगली के, सदा उंगली पकड़े रहो, उंगली छोड़ नहीं दोगे, उंगली छोड़ दी तो सर्वलोक में नहीं जाओगे, सतलोक में नहीं जाओगे, उंगली पकड़ी ही रहनी होगी, कैसे जाओगे उंगली पकड़े, तुम आज़ाद ही नहीं हो, स्वतंत्र ही नहीं, तुम अपने आप का बोध ही नहीं होगे, तुम कौन हो, नहीं जा सकते बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमको अपने आप ज्ञान भी हो गया है, समझ भी आ गई है, आपको कुछ महसूस हो गया कि सत्य ये है, तो जो बाहर के गुरु बैठे हैं, जो अपनी भक्ति करवाते हैं, तुम्हारे ज्ञान को प्रमाणिक नहीं मानेंगे, तुम्हारे ज्ञान को प्रमाणिक नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि तुम्हारा ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस पर गुरु की मोहर नहीं लगी है। अब आप गुड़ खाते हो, तुमको मीठा लगता है, और मैं बीच में शर्त लगा दूं कि जो ये मीठा लगता है तुमको, ये भ्रम है, क्योंकि तुमने मेरे से नहीं सीखा है गुड़ खाना, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि तुमने मेरे से नहीं सीखा है। क्या गुड़ का खाना असली नहीं है? क्या मेरे बताने से ही वो असली हो जाएगा? वो तो असली है ही, तुमको फायदा ही पहुँचा रहा है, तुम खा ही रहे हो, तुम्हें पता ही है। बीच में अपनी मैं बीच में शर्त लगा देता हूँ कि ये गलत है, कि इस पर गुरु की मोहर नहीं है, तुम्हारे स्वाद जो ले रहे हो उस पर गुरु की मोहर नहीं है, गुरु की विधि नहीं है, तो वो क्या होगा फिर? वो तो अपने पीछे लगाने की विधि है, एक विधि है। हम मान लेंगे कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं, ये है ना गुरुवाद में आता है ये, कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, ये तुम सब मानते हो और सभी मानते हैं, इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इसका खड़ा खंडन कर देता हूँ। जो ऐसी शर्त लगाते हैं उनको ज्ञान के रास्ते का नहीं पता है, ज्ञान तो सत्य होता है। आपके अंदर जामुनों ही एक चीज है, वो महसूस करने की शक्ति। देखो मैं क्या समझाता हूँ आपको, आपके अंदर महसूस करने की शक्ति है कि नहीं है? तुम्हें ठंडा लगता है, वो क्यों लगता है? गर्म महसूस होता है, वो क्यों होता है?
कोई दर्द महसूस होता है वो क्यों होता है, कोई सुख महसूस होता है क्यों होता है, क्योंकि तुम महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर वो अक्षमता है महसूस करने की, यानी ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान पाने की, अनुभव पाने की शक्ति आपके अंदर पहले ही है, उसको कोई बाहर का आदमी विकसित नहीं कर सकता। मान लिया मैं गुड़ ही खाता हूँ या कोई मिठाई खाता हूँ या खटाई खाता हूँ और उसका मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये कैसी है। गुड़ खाता हूँ, मेरे को नहीं पता कि वो मीठा है, लेकिन खा जाता हूँ, निगल जाता हूँ खाली, और कोई बाहर का आदमी आकर के मेरे को वो अक्षमता दे दे कि मेरे को गुड़ मीठा लगने लगे, मैं खा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कि गुड़ मीठा है, मेरे अंदर वो अक्षमता नहीं है अनुभव करने की गुड़ मीठा है। अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए, वो अक्षमता मेरे अंदर पैदा कर दे, मैं गुड़ खाऊँ मेरे को मीठा लगने लगे, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि बाहर के आदमी के बगैर ज्ञान नहीं है, जैसे गुड़ का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन वो अक्षमता, वो जो है ऊर्जा महसूस करने की, वो चेतनता आपके अंदर पहले ही है, कोई बाहर का दे भी नहीं सकता है, तुम खुद ही उसको महसूस कर सकते हो। तो ये शर्त तो बेकार हुई, मैं महसूस करने की शक्ति आपको दे सकूँ और आपके अंदर पहले ना हो, तो महसूस करने की शक्ति से तुमको ज्ञान होगा जो आपके पास नहीं और मैं दे देता हूँ, इसका तो हम ले लेंगे ठीक बात के भाई गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास महसूस करने की शक्ति नहीं हो और गुरु तुमको महसूस करने की शक्ति दे दे तो हम मान लेंगे कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। लेकिन महसूस करने की शक्ति जो आदमी हो, जो बच्चा है, वो पैदा होता है उसके साथ ही होती है, उसको पता होता है कि माँ का दूध कैसा है, उसे पता होता है, उसको महसूस होता है कैसा होता है माँ का दूध, उसे जो है दूध पीने की भी टेक्निक होती है। अगर उस बच्चे को कोई बाहर से सिखाना चाहे कि दूध ऐसे ऐसे पी, ऐसे ऐसे माँ की अपने जो सतन पकड़े, वो पकड़ नहीं सकता, उसे समझ ही नहीं रहे कि बाहर का आदमी क्या बोल रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा, तुम जो सिखाओगे वो सीखेगा ही नहीं, क्योंकि सीखने की अक्षमता बच्चे में नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है। लेकिन वो शिक्षा सिखाया जाता है कि सतन कैसे पिए जाते हैं, बाहर का कोई सिखाएगा क्या सिखा सकता है बच्चे को, कुछ भी नहीं सिखा सकता बच्चे को, सब आप सीखता है। तो सीखने की अक्षमता जो है आदमी में पहले ही है, इसको बाहर से तुम प्रमाणित करवाने चलोगे तो तुम्हें सिखाया गया है कि प्रमाणित करा लो, नहीं तो हो सकता गलत हो, तुम महसूस कर रहे हो कि मीठा है मीठा लग रहा है, इसको प्रमाणित कराने की जरूरत क्या है, ये तो उपयोगी है, तुम्हें पता है मीठा है मीठा है, मेरे को आने से क्या हो जाएगा कि ये मीठा है, अगर मेरे से ना खुआ तो तुम्हारा मीठा लगना व्यर्थ है। ये थोड़ी सी जीने बातें बताता हूँ, ये आत्मयोग की बातें हैं कि किसी तरह से तुम अपना आधार पकड़ लो, अपने आधार पर आ जाओ, अनुभव तुमने अपने आप से ही करना है, गुरु तुम्हें चेता सकता है, विधि दे सकता है, लेकिन अनुभव जो है, ज्ञान जो है, तुम्हें खुद ही करना होगा, महसूस करने की शक्ति आपके पास है, आपके महसूस करने की शक्ति आपके पास है, मेरी महसूस करने की शक्ति मेरे पास है, मैं अपनी महसूस करने की शक्ति तुमको नहीं दे सकता। एक कहानी आती है बड़ी मजे की, कहते हैं नारद ब्रह्मा का बेटा था, और वैसे ब्रह्मा जी सत्संग कर रहे थे तो नारद भी वहाँ बैठा था। सत्संग खत्म हुआ, सब उठ करके चले गए, नारद भी उठ के चला गया, तो ब्रह्मा ने क्या किया कि जहाँ वो बैठा था उस ज़मीन को वहाँ से खुदवा लिया, उतने स्थान को खोद करके जितने स्थान पर नारद बैठा था और मिट्टी को बाहर डलवा दिया, कुरड़ियों पर डलवा दिया उस मिट्टी को। नारद की माता देख रही थी
कि ये क्या कर रहा है ब्रह्मा, ये तो इसका बेटा है, ये नारद तो इसका बेटा है, इसको जामनो ही ब्रह्म ज्ञान है, इसको ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म को जानता है, इतना शुद्ध है, लेकिन ये क्या कर दिया इन्होंने, जहाँ बैठा था यहाँ मिट्टी को उखड़वा करके बाहर फेंकवा दिया। तो ब्रह्मा की पत्नी ने पूछा कि ये क्या बात है, कहने लगे इसको जामनु ब्रह्म ज्ञान जरूर है लेकिन इसने गुरु नहीं बनाया है। गुरु किस लिए बनाते हैं सोचो थोड़ी बात, ब्रह्म ज्ञान के लिए। अगर ब्रह्म ज्ञान ही हो तो फिर क्या गुरु बनाने की जरूरत रह जाती है, रह जाती है भाई। गुरु ज्ञान पाने के लिए ही तो होता है, और ज्ञान पा ही लिया हो तो फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या रह जाती है। अगर वास्तव में ब्रह्म ज्ञान पा ही लिया हो, गुरु तो ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ा ही है, वो तो ज्ञान देने के लिए, रास्ता बताने के लिए, अपने ऊपर लटकाने के लिए नहीं है। जब उसको ज्ञान ही है और वो कहता है कि इसने गुरु नहीं बनाया है, इसका ज्ञान व्यर्थ्या है, इसने गुरु बनाना चाहिए, इसका ज्ञान तभी सार्थक होगा। ये खाली एक बात अटकाने की है, ये खाली एक गुरुवाद की बात है। अगर ऐसा हमने आप हुए ज्ञान को सत्य मान लिया तो गुरु के पास कौन जाएगा, गुरु की भक्ति कौन करेगा, ये तो अपने साथ बांधने की बात है। ज्ञान हो तो भी गुरु करवाओ, ये इसीलिए है कि इनकी पूजा चलती रहे, इनका पेटा चलता रहे, इनका मान सम्मान होता रहे, संसार में इनका नाम होता रहे। भाई यही बात है, सौते ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानते, सौते ज्ञान ही ज्ञान होता है। जो सौते ज्ञान नहीं है वो ज्ञान ही नहीं होता, उसमें तो मिश्रण होता है। स्वयं हुआ ज्ञान ही तो ज्ञान होता है, और ज्ञान किसी के द्वारा होता ही नहीं, क्योंकि महसूस तो आपने ही करना होता है। सत्य होता है ब्रह्म ज्ञान, लेकिन अटका दी बात, एक कहानी को चला दिया, इससे तो गुरुओं के महत्व खत्म हो जाएगा, गुरुओं को कौन पहचेगा। अगर इसको आप हुए ज्ञान इसको ठीक लग गया और भी मान लेंगे तो गुरुओं के पास कौन जाएगा। कहने लगे नहीं, इन्हें गुरु नहीं बनाया है, गुरु बनाना चाहिए तभी इसके ज्ञान को सत्य माना जाएगा। अकारण हो रहा है ना सब कुछ, जरूरी नहीं है ये बात आपको ज्ञान है तो क्या करना चाहिए कि इसने गुरु बनाना चाहिए। उसकी माँ ने बुला करके नारद को कहा कि बेटा गुरु बना ले। कहने लगा मेरे को तो सब समझ है, शीतल हूँ, शांत हूँ, धैर्य हूँ, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं तो संतुष्ट हूँ, सबके अंदर एक परमात्मा को देखता हूँ, मुझे वो गुरु की क्या जरूरत रहेगी, गुरु तो मेरे अंदर ही पुकार रहा है। लेकिन नहीं, फिर भी बनाना पड़ता है, नहीं माना तो परमात्मा के दरबार में तुझे बैठने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। ये हो रहा है ना सब काम, क्यों हो रहा है, केवल अपने पीछे लगाने की, केवल एक गड़बड़ करने की, कि आदमी जो अपने आप पर ना आ जाए, अपने सेंटर पर ना आ जाए, उसको प्रभु तो ना मिल जाए। प्रभु तो तुमको ही लेना है, वो तुम पर ही है, तुम ही हो तुम्हारे सेंटर में, और तो कोई है नहीं। प्रभु तो मैं तुमको मैं देना ही चाहता हूँ कि तुम ही हो। तो कहा कि भाई देख तू गुरु बना ले। ब्रह्मा ने भी कह दिया कि गुरु बना ले, नहीं तेरा ये ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान ये ठीक नहीं है, गुरु बनाने से ही ठीक माना जाएगा। तो एक संशय पैदा कर दिया उसके अंदर। कहने का मतलब अगर ज्ञान ही हो तो, ज्ञान ही होता तो संशय भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आप खड़ा कर दिया गया बाहर से कि ये ज्ञान ठीक नहीं है। मान लिया, चलो मान लिया, तो कहने लगे हाँ जी मैं गुरु बना लूँगा। अब तो नाम मात्र बनाना है, ज्ञान तो पहले ही है, ना बनाए तो काम भी ठीक चल रहा है, बल्कि एक और अड़चन बीच में ले आया है, अपने स्वरूप में एक और स्वरूप खड़ा कर लिया है। तो कहते हैं जो शर्त क्या लगा दी कि सुबह उठते ही जो भी तेरे को मिले उसको गुरु बना लेना, सुबह चाहे तेरे को कोई भी दिखाई दे जाना सीधा उसको गुरु बना लेना। अब ये गुरु बनाने का तरीका है, गुरु बनाए तो उसी को तो बनाए कुछ सिखा सके,
अब बिल्कुल अज्ञानी मूड जिसको किसी चीज़ का पता ही ना हो और सुबह वो दिख जाए और वो तो कह दिया शास्त्र में उसी को गुरु बना लेना, बस गुरु बनाना चाहिए और कोई मतलब नहीं है, वो सिखाता हो या ना सिखाता हो गुरु बनाया हुआ होना चाहिए बस, चाहे मिट्टी का हो। तो कहते हैं कालू पीर आ गया, मछली लादे हुआ था कांधे पर, जाल में मछली पकड़ के लाया था, मछली पकड़ता था, आत्मज्ञान उसको भी नहीं था, ज्ञान उसको भी नहीं था, वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, कोई बात भी नहीं बता सकता था, और वो तो ज्ञानी था, जानता था गुरु तो बनाए तो कैसे को बनाए, कुछ जानता हो समझा सके ठीक रास्ता बता सके। तो उसने जो कालू पीरे को गुरु नहीं बनाया, आत्मा नहीं कह रही है लेकिन ब्रह्मा कह रहा है कि इस आत्मा की मत सुन, जो तेरे को दिखाई दे उसको गुरु बना, इस आत्मा की मत सुन, आत्मा की नहीं सुनना, गुरु यही तो कह रहे हैं बाहर के कि आत्मा की नहीं सुनना और कुछ कर लेना, केवल आत्मा की नहीं सुनना, क्योंकि इससे जो है इनकी जड़ कटती है अगर तुम आत्मा की सुनोगे तो। गुरुओं की जड़ कटती है व्यक्ति गुरुओं की जो बड़े बड़े आसनों पर बैठे हैं, तुम आत्मा की सुनने लगे और उनके आसन ढह जाएंगे। तो दूसरे दिन भी आया, सुबह उठा, सुबह उठा तो क्या हुआ, वही फिर आ गया वो कालू पीरा मच्छी लिए, कहने लगे इसको तो गुरु कैसे बनाऊं, नहीं बनाया, आत्मा की आवाज़ सुन ले, नहीं बनाया, बनाने की बात ही नहीं थी, ज्ञान भी पहले ही था बनाने के लायक भी नहीं दिखता था, आत्मा की विवेक की विचार की बात सुन ले। तो तीन दिन हो गए, तीसरे दिन भी नहीं बनाया, अब ब्रह्मा कहने लगा क्या गुरु बना लिया है, क्या नहीं जी गुरु तो नहीं बनाया है, कि आखिरी बार है, इस बार बना लेना नहीं तो 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। तो अगले दिन चौथे दिन भी वही आ गया, तो क्या करे और, नहीं तो 84 में जाएगा, भय बैठा दिया ना, संशय डाल दिया ना, आत्मा की अब नहीं सुनी उसने, आत्मा की नहीं सुनी तो बाहर गया, उसको गुरु बना लिया, वो मछीहारे को गुरु बना लिया, कालू पीरे को गुरु बना लिया और घर आ गया। ब्रह्मा ने पूछ लिया कि भाई गुरु बना लिया, आज तो आखिरी दिन था, कहने लगा बना तो लिया पर, ये पर लगा दी उसने, बना तो लिया आप भी संशय है, अब ये बताओ गुरु बना करके किसी में संशय आता है कि नहीं आता है, कैसा भी कोई भी भगत हो कैसा भी कट्टर गुरुमुख हो, संशय तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा, अगर संशय आएगा तो वो नरक में जाएगा ही जाएगा, इसलिए गुरु मत मत आना, क्योंकि गुरु पर संशय होगा तुम नरक में जाओगे। तो कहने लगा तूने पर लगा दी है, गुरु तुझे स्वीकार नहीं है, बना तो लिया है, तेरे को संशय है कि वो गुरु नहीं है, तो इस संशय के कारण ये संशय तेने पाप कर लिया, तू तो अब 84 में जाएगा और आगे से आगे समस्या खड़ी होती चली गई बेकार में बेअर्थ। कहने लगे यार फिर इसका समाधान क्या है कि मैं नहीं कर सकता, गुरु के ही पास जाओ, दे दी ना यहाँ पर मेहता, ये बेअर्थ मेहता खड़ती खड़ी करते जा रहे हैं जबकि कोई कारण नहीं है मेहता ऐसी इतनी खड़ी करने का, आप ही सब कुछ खड़ा कर दिया है कि तुझे ज्ञान नहीं है, कि तुझे गुरु बनाना चाहिए, कि तूने संशय कर लिया कि तो 84 में जाएगा, 84 में जाने का तो कोई भी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको तो ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान तो पहले ही क्यों जाएगा 84 में, लेकिन बाहर से ये एक कहानी है समझाने के लिए कि इस तरह से ये घेरा बंदी करते हैं इंसान पर के इंसान को जाल में फंसा लेते हैं। तो इलाज क्या है, इलाज ये है कि ऐसा करें गुरु के ही पास जा, वही समाधान देगा और कोई नहीं दे सकता। अब चला गया वो, कहने लगा गुरु जी ऐसे ऐसे बात हुई, मैंने गुरु बना लिया था और पर लगा दिया, और मेरे पिता कहें तो 84 में फिर जाएगा, तुम तो गुरु पर संशय कर लिया, इसका क्या समाधान है,
कहने लगे ये तो छोटी सी बात है, मैं बता दूंगा, ये तो 84 काटने की बात तो मैं बता दूंगा, कि 84 काटने की बात ही बता दो, मेरे को और क्या चाहिए। उसकी तो पहले ही कट चुकी थी, काटने में लगा दिया, प्रमाणित करने में लगा दिया कि ये बात तो गुरु की नहीं है, ये तो आप हो गई, आपको तो ये मानते ही नहीं। तो हुआ क्या, कहने लगा नारद को कि तेरा पिता है, इसने 84 रची है, ब्रह्मा ने 84 रची है, ये 84 का नक्शा जानता है बनाना, और तू जा अपने पिता से सवाल करना कि 84 का नक्शा बनाना आता है। वो कहेगा कि आता है, आता है तो उसका नक्शा बनवा लेना रित्ते पर, रित्ते पर उसका नक्शा बनवा लेना 84 का, और जो जब वो बना देना 84 का नक्शा, उसको हाथ से मिटा देना। और वो पिता तेरा पूछेगा कि क्यों मिटा दिया, कह देना कि मेरी ये 84 मिटा दी, अब 84 में नहीं आऊँगा। और वो पूछे ना कि विधि किसने बताई, कि मेरे गुरु ने बताई, बस इतना कह दिए मेरे गुरु ने बताई। ऐसा ही हुआ, उसने जो नक्शा बनवाया और उस पर हाथ फेर दिया, और ब्रह्मा ने पूछा कि ये विधि ये क्यों फेर दिया, कि 84 काटने के लिए, कि विधि किसने बताई, कि गुरु ने बताई। चलो हो गई तेरी 84 पार, हो जाएगी ऐसे 84 पार। रेते पर लकीर खींचती हैं 84 की, 84 योनियाँ की, और वो हथेली से उन्हें मिटा देंगे, हो जाओगे पार ऐसे गुरु के उपदेशों से, ऐसे गुरु की युक्तियों से तुम पार हो जाओगे क्या। और युक्तियाँ तो ऐसे ही दे रहे हैं, नाम देते हैं तो तुम्हारे कर्म काट देते हैं, सारे कर्म काट दिए सारे, तो 84 के जो नक्शा बनाया था हाथ फेर दिया, ऐसे कुछ नहीं होने का है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सारे संसार का एक नक्शा है, मैं उस नक्शे पर ऐसे घूम लूँ उंगली से, क्या मैं सारे संसार में घूम लूँगा। मैं तो उस कागज पर उंगलियाँ घुमा रहा हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं पहुँचा हूँ, उंगली घुमा करके मान के भाई सारे देश में घूम लिया, वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये पीछे लगा रहे हैं खम खाई, तुम्हारी चेतना से तुमको बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये शर्त लगाते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, तुमको जड़ बना रहे हैं, तुम्हारी चेतना को ख़त्म कर रहे हैं, तुम्हें कर्म नहीं करने देंगे, तुमको मूर्ख रख लेंगे, तुम्हें अपने आगे होकर कैसे चलाएंगे जैसा चाहेंगे, तुम्हारा तन मन धन सब हाजिर कर लेंगे, और तन मन धन आपका किस काम में लाएंगे, अपने तन को बढ़ाने के लिए, मन को बढ़ाने के लिए, अपने भोग को बढ़ाने के लिए। तुम्हारा धनपन तो छीन लिया, अपना इकट्ठा कर लिया। इसलिए मैं खबरदार, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ इन बातों को, मैंने 20 साल हो लिए सत्संग करते, मैं यही बातें तुमको समझाना रहा हूँ कि खबरदार हो जाओ, तुम अपने आप पर आ जाओ, तुम आत्म योग में आ जाओ, बच जाओगे नहीं, बच नहीं सकते हो। गुरु बनाते हो आदर करना चाहिए, गुरु बनाते हो तो देख लो कि वो क्या कर रहा है, इतना तो परख लो कम से कम कि तुम्हारे आपे से तुमको दूर कर रहा है, कि तुम्हारे आपे से तुमको जोड़ रहा है, इतनी कसौटी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। कहीं सत्संग सुनो, मौज से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात पहचान लो कि वो तुम्हारे स्वरूप से तुमको जोड़ रहा है कि नहीं, वो तुम्हारे स्वरूप से बाहर निकाल रहा है। तो ये बस इतनी तो परख कर लो, तुम्हारे स्वरूप से ही जोड़ रहा है, तुमको निरोड़ बना रहा है, ओरिजिनल बना रहा है, तुमको केवल तुम्हारा स्वरूप दे रहा है, तुमको कैवल्य बना रहा है, तो वहाँ गुरु ठीक है, उसका सत्संग सुन लो, सभी जगह सुन लो जहाँ तुमको ऐसा सत्संग मिला है, ठीक है ना। कोई दायरा नहीं होता है, लेकिन बात सही होनी चाहिए, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम जो है मिसगाइड हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने आप से दूर चले जाओगे, और ये सबसे बड़ी हानि है। तो अब हम आते हैं उस शब्द पर, ये मैंने इतना आत्मयोग के बारे में ही समझाया है कि तुमने सिर्फ अपने निरोल स्वरूप को पाना है, ये तब पाया जा सकता है जब बाहर के आश्रय छोड़ करके अपने ऊपर आ जाओ और अपने आत्मा का पालन करो, जैसी तुम्हारी आत्मा कहती है, पवित्र आत्मा, वैसा करो, तुम समझो सही रास्ते पर हो। अगर तुम अंतरात्मा का अनुसरण करते हो, तुम सही रास्ते पर है, अगर तुमने अपने आप को चुन लिया है, तुमने सही लक्ष्य को चुन लिया है।
तो हम थोड़ा सा उसको ले लेते हैं, उसकी डिटेल तो वैसे आ गई है, धीरे धीरे मन एक बात साफ करती है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुमने पता चल गया कि हमारा रास्ता आत्म योग है और इसका ये मतलब है। हम तो ध्यान करेंगे, ध्यान ध्यान बिन मनवा नहीं भरे जी। अब ये ध्यान की बात है, ध्यान के दुश्मन दो तीन चीजें हैं। एक तो आलस है, आलस ध्यान का दुश्मन है, आलस। एक संस्कार है, संस्कार भी ध्यान का दुश्मन है। एक अहंकार है, अहंकार भी ध्यान का दुश्मन है। ये मैंने पहले ही बता दिया ध्यान की बातें कि तुमने किसी का ध्यान नहीं करना, किसी के ध्यान करोगे तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे स्थान पर कोई और हो जाएगा। बल्कि यहाँ तो ऐसा भी आता है, कल ही मैं देख रहा था एक पुस्तक में जो आत्मयोग की थी पुस्तक, उसमें लिख रखा था अगर ध्यान में तुम्हें अपना गुरु का रूप भी नज़र आ जाए तो तलवार निकाल देना, गुरु के जो है शीश को उतार देना। भय लगता होगा ऐसी बातें सुनने के लिए। वो रूप आया है, वो तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम नहीं रह रहे वहाँ पर, कुछ और आया है। वो रूप है, वो परिवर्तनशील है, वो कल नहीं रहेगा, तुमको भटा करके चला जाएगा। रूप तो तुमने अंदर आने ही नहीं देना है, तुम तो चैतन्य हो, केवल चैतन्य ही रहना है। मेरा कहने का गुरु के बारे में बात है कि कैसी भी ऐसी कोई आ जाए, तुम जो सबसे प्यारी चीज़ हो उस पर भी ख्याल मत देना कि ये कल यही नज़र आना चाहिए, इस पर ध्यान मत रखना। केवल तुम कोशिश करना कि हम चैतन्य स्वरूप ही रह जाएं बस, और कुछ ना रहें। महाराज जी ताराचंद जी कहते थे एक दिन, वैसे तो वो गुरु भक्ति करवाते रहे लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी लहर भी आती थी कि सच्ची बात भी बता देते थे। एक दिन वो कहने लगे कि अगर तुम मर रहे हो, अगर गुरु का रूप तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम नरक में जाओगे। कैसी बात कह दी, गुरु के रूप की भक्ति करवा रहे हैं, गुरु के रूप का ध्यान करवा रहे हैं सारी उम्र, और कभी कह देते हैं कि अगर ध्यान में तुम्हें जो है मरते वक्त गुरु का रूप भी नजर आ जाए तो नरक में जाओगे। क्यों जाओगे नरक में, गुरु की तो भक्ति करे, गुरु तो बेड़ा पार लगाता है, क्या बात हो, तो उसमें स्वर्ग में ले जाना चाहिए। ये बात सत्य है, क्योंकि तब तुम नहीं रहोगे, किसी और की जो उपस्थिति हो जाएगी तुम्हारे अंदर, और की उपस्थिति तुमको जो है तुम्हारे अंदर नहीं रहने देगी। तुम्हारे अंदर नहीं रहने दिया बस, यही तो नरक है। मेरा कहने का मतलब है ध्यान करो, किसी का मत करो, आंख बंद कर लो, तुमको अपना अंधेरा नजर आएगा। अंधेरा तो अपना भी अच्छा है, प्रकाश तो दूसरे का भी बुरा है। तुम्हें अंधकार नजर आएगा आंख बंद करते हुए ही, आंख बंद करोगे तो तुम्हें अंधकार नजर आएगा ही आएगा। उसके लिए तुमने कल्पना करने की जरूरत नहीं है, अंधकार तुमको सामने दिखाई दे रहा है आंख बंद करते ही। उस अंधकार पर एक स्थान पर देखते रहो। क्या अंधकार के लिए तुमने कल्पना करने की जरूरत है? अंधकार के लिए कल्पना करने की जरूरत कति नहीं है। आंखें बंद करोगे तो अंधकार आ जाएगा, अंधकार भी ये भला है क्योंकि तुम्हारा आकार ना रहेगा। आंखें बंद करके अब देख लो, तुम्हें कोई आकार बच जाए तो, नहीं तो ये हाल का आकार बच सकता, नहीं थमूड़िया का आकार बच सकता, ना मेरा बच सकता, ना तुम्हारा बच सकता, ना चांद का, ना सूरज का। आंख बंद करके देखो, अंधकार में ही आकार जो है ख़त्म हो जाता है, निराकार जो तुम आँख बंद करते ही हो जाते हो। निराकार तो तुम आंखें बंद करते ही हो जाते हो ना, तो आंखें बंद करने ही तुम्हारा स्वरूप शुरू हो जाता है, चाहे वो अंधकार हो, क्योंकि वहां रूप नहीं है। इस रूप से मैं कह रहा हूं सावधान रहे, किसी का रूप तुम्हारे अंदर जगह ना बना ले, फिर तुम नहीं रहोगे, तुम निरोल नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर कुछ मिलो मिलाप हो जाएगा। जैसे दूध होता ना, निखड़ू दूध में पानी डाल दोगे तो क्या दूध वो दूध रह जाएगा, क्या निखड़ू रह जाएगा? उसमें पानी डल गया। मैं कहता तुम निखड़ू ही रहो, कुछ ना डलने दो, तभी तुम्हारी श्रेष्ठता है, तभी तुम्हारा आत्मयोग संभव है। तो अंधकार को आप देखो, वो आपका अपना है, उसके अंदर से तुम
क्या देखोगे, एक दिन चिंगारी सी उठने लग जाएंगी, प्रकाश की, प्रकाश की चिंगारी उठने लग जाएंगी, या कोई चमक आनी शुरू हो जाएगी, या कोई तारा दिखने लग जाएगा, या कोई चांद दिखने लग जाएगा, या कोई सूरज दिखने लग जाएगा, या आकाश दिखना लग जाएगा आपको प्रकाश से भरा हुआ। वो कहाँ से निकल आया? ये अहंकार जो था ये एक पर्दा था बस। आपने इसके अंदर देखना शुरू किया तो जो है इस अंधकार, ये फट जाएगा एक दिन। जैसे रात आती है और ये फट जाती है, सूरज निकल आता है। मैं कहता हूँ आत्म योग की बातें, आंख बंद करो, अंधकार में लगातार देखते रहो सजगता के साथ भाई, चौकस होकर रहना, चौकस होकर के देखते रहना। उस अंधकार में एक रोशनी पैदा होगी, बस अंधकार भी तुम्हारी सहायता कर रहा था, अब वो रोशनी तुम्हारी सहायता करेगी, अब आनंद शुरू हो जाएगा। त्यों ही रोशनी शुरू हुई और त्यों ही आनंद शुरू हुआ। आनंद अलौकिक आनंद है, वो इन वस्तुओं में कहीं नहीं है, वो इस संसार में कहीं नहीं है, वो इस शरीर में कहीं नहीं है, कोई नशों में कहीं नहीं है, विषों में कहीं नहीं है। वो एक आनंद है, इंद्रियां अतीत है, बुद्धि से भी परे है, इंद्रिय से भी परे है, मन से भी परे है, सारी वस्तुओं से परे है। वो आनंद अलौकिक एक बार आ जाएगा, जो आनंद तुम्हारे आ गया तो तुम्हारा रास्ता खुल गया। तो मैं बता रहा था कि जो तीन चार बाधाओं के बारे में, तीन चार बाधाओं के बारे में, लेकिन हाँ एक बात और बता देता हूँ इससे पहले। कई भाई विचलित हो जाते हैं कि हमें तो प्रकाश नहीं आता, ध्यान करते हैं हमें प्रकाश नहीं आता, महाराज जी प्रकाश की बात करते हैं और पुस्तकों में भी लिखी है, हमें तो नहीं आता। वो उदास हो जाते हैं। उदास होने की कतई जरूरत नहीं है। प्रकाश से गहरी भी चीज़ है आपके पास, अगर वो गहरी चीज़ आ गई है पहले ही तो प्रकाश भी नहीं आएगा। वो प्रकाश की परे की चीज़ ही आपके पास आ गई तो तुमने क्या करना है उसका? वो तो उससे परे की चीज़ आपके पास आएगी, जो आपके होश की रोशनी नहीं है, विचार की रोशनी, विवेक की रोशनी। ये विवेक की रोशनी, होश की रोशनी, विचार की रोशनी जो तुम्हें प्रकाश दिखाई दे ध्यान में, उससे भी गहरी है ये। कई बार ये सिद्धि आ जाती है, होश की रोशनी, ये बाहर का प्रकाश नहीं आता, होश की रोशनी आ जाती है, जिसके द्वारा सब तुम सब जो अपना रास्ता कवर कर लेते हो, उसे पहचानने लग जाते हो, अंधेरों को पार कर जाते हो, समस्याओं को पार कर जाते हो, जिन समस्याओं में तुमको कुछ भी नहीं सूझता है, इधर का सूझता है ना उधर का सूझता है, घर में लाइट भरी है, समस्या तुमको सूझ कुछ नहीं रहा है। अगर एक उस जो उस समस्या के समय कोई विचार आ जाता है, समस्या सुलझ जाती है, क्या वो जो विचार आया वो रोशनी नहीं है? समस्या है। और जो है आपके अंदर विचार आ जाता है, वो एक किरण आ गई रोशनी की और समस्या खत्म हो जाती है। तो ये मत समझना कि आंखें बंद करने से, देखने से वो प्रकाश ये सब कुछ होता है। मैं ये कहता हूँ उससे भी गहरा होता है, एक होश होता है, एक विचार होता है, एक चिंतन हो जाता है, वो भी बढ़ता है ध्यान से, चाहे तुमको रोशनी नजर ना आए, अगर वो किसी में बढ़ गया तो बहुत बढ़िया बात, वो दिखने वाले प्रकाश से भी अच्छी चीज़ है। तुमने एक कहानी सुनी होगी कौवे की, ये बच्चों की किताबों में आती हैं, कई कहानियाँ बड़ी अच्छी होती हैं कौवे की कहानी। कौवा प्यासा था और ऐसे पानी को ढूंढता हुआ घूम रहा था, उसने घड़ा देख लिया, उसने समझा कि इस घड़े में पानी है, गया तो पानी था उसमें, लेकिन उसकी चोंच नहीं जा पा रही थी, वहाँ पर चोंच नहीं जा पा रही थी, पानी था, प्यासा था। अब समस्या खड़ी होगी ना, क्या करें? अब समझो उसको एक प्रकाश चाहिए, क्या करें? प्रकाश चाहिए अब उसको समस्या को हल करने के लिए, कि क्या करें? विचार जागृत हो गया कि साइड में कंकर पड़ी हैं, कंकरों को एक एक करके उठाता है, कंकर डालता है थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है, और कंकर डालता है थोड़ा सा पानी और ऊपर आ जाता है, इतनी कंकर डाल देता है कि पानी मुंह तक आ जाता है, और वो पानी अपना जो कौवा प्यास बुझा लेता है। अब ऊपर जो है सूर्य भी चमक रहा था, क्या ये प्रकाश उसके काम आया?
नहीं आया ना, लेकिन उसका विचार का जो प्रकाश था उसने समस्या हल कर दी। जो विचार का प्रकाश था उसके जरिए से उसने पानी पी लिया, अपनी समस्या हल कर ली। क्या ये विचार प्रकाश नहीं हुआ? क्या इसने रास्ता नहीं दिया? दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान करते हो, प्रकाश नहीं आता है तो होश आ जाते हैं तुम्हारे अंदर, समझने की शक्ति आ जाती है। एक साधारण आदमी से तुम ज़्यादा समझ सकते हो, ज़्यादा विचार कर सकते हो, ध्यान करने से ज़्यादा स्थिरता आ जाती है। प्रकाश से तो बहुत गहरी गहरी चीज़ें, ये सब ध्यान आते हैं, लेकिन ये एक समझाने की बातें मन लिया था कि थोड़ा सा प्रकाश की बात ले ली। उसके जरिए से तुम ऐसा ना हो कि तुमको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, कि तुमको प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान करने वालों के लिए अनेकों चीज़ें हैं, अनेकों घटती हैं। ध्यान में तुम्हें पहचान नहीं होती। मैंने कह दिया कि प्रकाश दिखना चाहिए, तुम्हें प्रकाश नहीं दिखता तो उदास हो जाते हो। इसलिए मैं दूसरी चीज़ें भी बता देता हूँ कि प्रकाश से गहरी गहरी चीज़ें भी हैं, वो भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो प्रकाश आता है उसको अपना जो है ठीक है, आनंद देता है, वो रास्ता तय कराता है, लेकिन उसके साथ होश और विचार आ जाता है तो वो और भी बढ़िया है। लेकिन प्रकाश दिखाई देता है और होश नहीं आता है तो वो खतरे में जाएगा, उसको अहंकार में ले जाएगा। प्रकाश के साथ प्रकाश दिखाई दे तो होश भी आना चाहिए। होश नहीं आया है, ध्यान में होश नहीं बढ़े हैं तो वो अंधकार में जाएगा, उसके अंदर अहंकार बढ़ेगा, वो सिद्ध बन के बैठ जाएगा। ओह मेरे को तो प्रकाश दिखाई देता है, विचार नहीं उसके अंदर, खाली बड़ा भगत बैठ जाएगा, दसों को और बताएगा क्योंकि मेरे को ये दिखाई देता है। होश हो विचार हो तो नहीं बताएगा। तो ये प्रकाश के बारे में समझ लिया तुमने, एक तो दिखाई देने वाला है, एक नए दिखाई देने वाला है। वो आपके विचार का है, आपके होश का है, आपके विवेक का है, आपके प्रेम का है। वो आ जाएगा, त्यों त्यों ध्यान करोगे, त्यों तो तुम सूक्ष्म हो जाओगे। जो जो सूक्ष्म होगे तुम्हारे विचार भी सूक्ष्म हो जाएंगे, समझने की ताकत आपकी बढ़ जाएगी। तो मनवा नहीं भरा है। वो मैंने दो चार बातें और बताई थी ना कि भाई संस्कार की रुकावट है, आलस की, संस्कार की, अहंकार की, उनको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आलस क्या है। आलस तो तुम समझ लो कि ये मृत्यु का पहला स्टेप है। ये मृत्यु तो बाद में आएगी, उसका चिन्ह पहले आ गया। मृत्यु के क्या लक्षण होते हैं? तुम कुछ ना कर सको, मान लेते हैं ना मृत्यु हो गई, अब कुछ नहीं कर सकता, हाथ हिला सकता ना पैर हिला सकता, के कुछ नहीं कर सकता। आलस में भी तुम्हारे साथ क्या होता है? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ हिला सकते ना तुम पैर हिला सकते, उसको लेकर के वापस चारपाई में लेट जाते हो। मरने में और वापस लेट जाने में, निष्क्रिय हो जाने में क्या अंतर है? वो तो सूचना आ गई मरे होड़ की, आलस आ गया तो वो एक मृत्यु की जो है पहला एक स्टेप आ गया कि पीछे पीछे मौत भी आ रही है, आलस तो आ गया है। समझ लेना कि ये आलस आया है, ये मृत्यु की उपस्थिति है और कुछ नहीं है, उसको मृत्यु की उपस्थिति समझो। अगर आलस को स्वीकार कर लिया तो समझो तुमने अभी वो मृत्यु आई नहीं है, 10 साल पहले 20 साल पहले उसको स्वीकार कर लिया है। बगैर आए मृत्यु को तुमने मान लिया, अगर आलस को स्वीकार कर लिया है। आलस को स्वीकार मत करो। तुमने अलार्म भर दिया है या ना भर दिया है, सुबह टाइम रख लिया है, 4 बजे उठ के भजन करना है, और तुम डेली उठते हो, अलार्म भी भर देते हो, लेकिन ध्यान नहीं करते, आलस बीच में आ जाता है, आलस की सुन लेते हो, आत्मा की नहीं सुनते हो, आत्म विवेक में चले गए। आत्मयोग ही समझा रहा हूँ। अगर उस टाइम तुमने आत्मा का पालन कर लिया कि ध्यान करने के लिए कह रही है, ध्यान कर लो, हो गया आत्मयोग। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते और आत्मा कह रही है, हो गया आत्मवियोग, आत्मा से दूर ले जाने का रास्ता शुरू हो गया, वो हो गया आलस योग। अब आलस योग तुम लेओगे तो ध्यान नहीं कर सकते, ये सारी उम्र निकल जाएगी। थोड़ी सी देर बाद कर लूँगा, घड़ी देखोगे अभी 10 मिनट बाकी हैं, फिर कर लूँगा, अभी 10 मिनट बाकी हैं, वो सूरज निकल आएगा, काम काज शुरू हो जाएगा। डेली ये एक आलस तुमको सारे जीवन से चुका देगा।
सारा जीवन तुम ध्यान नहीं करोगे, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद, इन सबसे ज्यादा जो मजबूत शत्रु है साधक का ध्यान का, ये एक आलस है। आलस ना हो तो ये चार पांच दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुमको अंदर की शक्ति मिल जाएगी। ये फिर ठहर को तो दिखा देना, जैसे अंडे का खोल फूट जाता है ना, वो नहीं रहता। तुम ऊर्जा ग्रहण करोगे ध्यान से तो ये कैसे बच जाएंगे, ये विकार काम क्रोध लोभ अहंकार, ये तो टूट जाएंगे। लेकिन ऊर्जा ग्रहण करने से, विकसित होने से, अंदर से फूलने से ये नहीं डट सकेंगे। तो आलस, छोटी सी बात बता के मैंने समझा दिया कि आलस का अनुसरण ना करें, आत्मा का अनुसरण करें। तुम ध्यान के लिए, तुमने शाम को सोए हो कि सुबह ध्यान करना है तो सुबह ध्यान ही कर लें, आलस को मत सुनो। एक झटके से उठ करके अपना हाथ पांव मुँह धो लो, नहा लो, डेली टाइम से बैठो, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर तुम सारे ब्रह्मांड को अनुभव कर सकते हो केवल यहाँ बैठ के, केवल यहाँ बैठ के सारी सत्ता का अनुभव कर सकते हो, अगर आलस की ना सुनो। आलस सबसे बुरी चीज है ध्यान के रास्ते में। फिर है संस्कार। संस्कारों का क्या मतलब है? जो तुमने आज तक किया है वो किया हुआ परछाई के रूप में आपके अंदर जमा है। जो आज तक आपने भोग्या है, जिया है, जो स्वाद लिए हैं, जो विषय लिए हैं, उन सब की छाप आपके अंदर छूट गई है, उनकी परछाई आपके अंदर छूट गई है। वो तुमने भोग तो लिया, वो टाइम तो निकल गया, लेकिन जो भोग गया उसकी परछाई आपके अंदर जमा हो गई। इसका नाम संस्कार है। जो देखते हो वो तुम्हारे अंदर रह जाता है। वो देखना यादगार के रूप में, स्मृति के रूप में, जो देखा वो तुम्हारे पास रह गया, जो भोगा स्मृति के रूप में वो स्वाद आपके पास रह गया, जो सुना वो आपके पास रह गया। ये सारी चीज़ें आपके पास रह जाती हैं। वो किया तो वो तो चला गया, लेकिन आपके अंदर वो किया हुआ रह गया, वो परछाई आपके अंदर रह गई। परछाई का क्या मतलब? जैसे मेरे पास एक गेंद है और वो कीचड़ से भरी हुई है, और ये दीवार सफ़ेद है, मैं इस पर फेंक दूँ उसको, गेंद को, कीचड़ को, भरी हुई को, और उस दीवार से मार दूँ, वो दीवार तो वापस पड़ जाए, वो क्या गेंद तो वापस पड़ जाएगी, लेकिन वो कीचड़ जो लगा रह जाएगा दीवार पर, वो छापा जो है दीवार पर लगा रह जाएगा, वो जो छापा दीवार पर लगा रह गया ना कीचड़ का, इसी का नाम संस्कार है। ऐसे अनेकों जो हैं छापे हमारे अंदर हैं, वो छापे अड़चन डालते हैं। तुम ध्यान में बैठते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि कहाँ चले गए, पता लगता है जाने के बाद, और कुछ नहीं होता है। ये संस्कार, कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई सूक्ष्म तस्वीर आपके भूतकाल की आपके सामने आ जाती है, और उससे तुम्हारा योग हो जाता है और तुम अपने आप से आउट हो जाते हो। बस एक बार आउट हुए तो चैन जुड़ गई बाहर आउट होने की, गए थे तुम कुछ और, आगे से आगे जुड़ता चले जाएगा, पूरा सपना ही बन जाएगा, ध्यान की बजाय सपना बन जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा। कल ही मैंने एक प्रयोग करवाया था श्याम ने, ये करवाया था कि तुम ध्यान में बैठते हो, तुम बाहर क्यों चले जाते हो? ध्यान में बैठते हो, तुम जाना नहीं चाहते बाहर, तो भी चले जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम चले जाते हो। ये मैंने बताया कि सारा संस्कार का खेल है। जैसे एक बाबा की बात बताऊं समझाने के लिए, कि बाबा पहाड़ों में चला गया और वो ध्यान करता तो कंघा उसके सामने आ जाता, कंघा आ जाता तो वो कंघे से पीछा ना छुड़ा सके। ये संस्कार है, उसने कभी कंघा चुराया था किसी का, और वो चुराने की क्रिया उसके अंदर रह गई, वो कंघे की शक्ल भी उसके अंदर रह गई। ध्यान में बैठे वो सामने आ जाए, ध्यान ना बन सके, उचाट हो जाए, उसने कारण पूछा, देखा तो उसको याद आ गया कि मैंने जो है कभी बचपन में मैंने मामा का कंघा चुराया था, ये पीछा नहीं छोड़ रहा। उसने माफ़ी जा के मांगी, उसका विश्वास हो गया कि अब नहीं आएगा, वो संस्कार धोया गया, अब वो कंघा नहीं आता। समझ के संस्कार की बात, के संस्कार क्या होता है, कि तुमको कैसे बाहर ले जाते हैं ये सूक्ष्म तस्वीरें जो दिखाई भी नहीं देती। तो मैंने कहा कि तुम ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो
और ये तुम देखो खुद जो के ये हमारा मन जो है, ये हम जो हैं किस टाइम बाहर जाते हैं अपने आप से। आंख बंद कर लो, चेतनता के साथ बैठ जाओ, बिल्कुल अपने में अपुस्थित हो करके निरोल तुम बैठ जाओ और ये देखो कि मैं बाहर किस टाइम जुड़ता हूँ। उस टाइम की खोज करो जिस टाइम तुम बाहर जुड़ते हो। है छोटा सा प्रयोग लेकिन है बड़ा विलक्षण। अगर तुम ये अभ्यास करो, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठ जाओ और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो, उस टाइम को जो है पकड़ने की कोशिश करो जिस टाइम तुम बाहर जुड़ते हो। ऐसा तुम कर सकते हो, आंखें बंद कर करके उस टाइम की खोज करो, देखते हैं किस टाइम जाता हूं मैं बाहर अपने आप से, कब जुड़ता हूं मैं बाजार से, मित्र से, दोस्त से, पैसे से, धैले से, कब जुड़ता हूं। उस टाइम की खोज करोगे कब जुड़ता हूं। अगर तुम सच्चे रूप में खोज करोगे ना तो वो आपको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम चेतन हो गए। तुम ही तो बाहर जा रहे थे, तुम ठहर गए। तुम ही बाहर जा रहे थे, तुम ही ठहर गए, बाहर कौन जाएगा। लेकिन जब तुम ठहरे हुए नहीं रहोगे तो बाहर चले जाओगे। बस ये एक अभ्यास है ठहरने का, अपने आप में खोज करो किस टाइम में बाहर जाता हूँ। चेतन होकर के तुम बैठोगे कि किस टाइम में बाहर जाता हूँ, वो टाइम आपको मिलेगा नहीं। अगर सही में चेतन हो गए हो, थोड़े से भी लूज हो गए हो ना, थोड़े से भी बेहोश हो गए हो तो बाहर चले जाओगे। ये तो एक अभ्यास है पूरा चेतन होने का अपने आप में, अपने आप में पूरा चेतन होने का अभ्यास है। बस यही जागृत स्वरूप तो हमने पाना है। इतना जागृत स्वरूप के ध्यान में बैठो तुम्हें पता चल जाए कि वो गया। बस ये जो जागृत स्वरूप है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जागृत स्वरूप चेतन आपा अगर तुम पा ले तो समझो तुमने सब कुछ पा लिया। यही नहीं पाया जाता, इसी में नहीं ठहरा जाता, इसी में ठहर जाओ। तो ये मनवा नहीं भर सकता जब तक तुम ध्यान में रहोगे, ध्यान में नहीं जाओगे। हम तो ध्यान करेंगे, ध्यान ध्यान बिन मनवा नहीं भरे जी, ध्यान मन मनवा नहीं भरे जी। मन का क्या लक्षण है, मन का लक्षण है भोग, विषय, एंजॉय, स्वाद। जब ये चीज़ें होती हैं समझ लो मन होता है। अगर तुम किन्हीं किन्हीं चीज़ों की इच्छाएं करते हो इनके पीछे ये भोग ही होता है, ये स्वाद ही होता है मन का। इंद्रियों में जाते हो तो मन का भोग होता है, कहीं बाहर किसी वस्तु से जुड़ते हो मन का भोग होता है। ये पीछे बैक में मन का ये लक्षण है कि ये स्वाद के लिए आदमी को तंग करता है, चाहे अनेकों प्रकार के स्वाद उनके लिए तंग करता है। समझो जब तुम्हें अंदर ये भोग का लक्षण हो, स्वाद का लक्षण हो, विषय का लक्षण हो, समझ लेना चाहिए कि है, अब मन है। जब तक ये तुम्हारा भोग पूरा नहीं हो जाएगा ये मन भर नहीं सकता। कितना जोर लगाओ, कितना धन जोड़ लो, कितना मान सम्मान जोड़ लो, कितने इसमें पदों पर बैठ जाओ, ऊंचे बैठ जाओ, कितने भी लोग तुमको सराहें, तुम्हारा मन भर नहीं सकता। ये भरेगा आनंद से, भोग से, और वो आनंद मिलेगा ध्यान से। सुरता बहुत घनी सुख पाई, भवन में रंग बरसे। निर्मल तत् का भवन बना है, उजाला गजब का दर्शय। पल भर का विसरण नाही, सहनाई प्रेम की बाज्य। आनंद अमृत छक छक पिया, मन वा फिर क्यों तरसे। भवन में रंग बरसे, सुरता बहुत घनी सुख पाई, भवन में रंग बरसे। जब ये रंग बरसेगा ना भीतर का, जब ये आनंद आएगा शब्द का, नाद का, इनके बगैर भी आनंद आएगा शून्यता का, तब ये मन भर सकता, उससे नहीं भर सकता। जब तक तुम्हें अंदर की ऊर्जा और अंदर की खुराक नहीं मिलेगी, बाहर कितनी भी टक्कर मारते रहो ये मन किसी का भर नहीं सकता। ये आकाश जैसा है, ये भर नहीं सकता। सतगुरु मेरे ने धुन सुनाई, आनंद घट भर आया है। जन्म जन्म से दूध पिलाया और सर्प मना का पाला है, सर्प मना का पाला है।
अब आनंद घट भर आया है, अब सर्प पकड़ में आया है। जब तक अंदर का आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें भरपूरता नहीं मिलेगी भीतर की, ये मन टेक नहीं सकता, को कितना भी जोर लगा ले, ध्यान के बगैर वो आएगी नहीं अंदर की ऊर्जा, और ध्यान के बगैर नहीं आएगी तो वो बाहर तो है नहीं। तो ध्यान कर लिया करो, अगर मन को भरना है ध्यान कर लिया करो, एक अंदर का आनंद आएगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। सभी जगह तुमने देख लिया है, वो आपको नहीं मिला है, मेरे को पता है। जिसको मिल जाएगा उसका तो सब निराला हो जाता है, वो तो संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। वो तो टैबलेट ही ऐसी है कि तुम शांत हो जाओगे। तो हम तो ध्यान करेंगे, ध्यान बिन मनवा नहीं भरे जी। ये प्रेरणा कर दी है कि ध्यान कर लिया करो, ध्यान के बगैर ये मन नहीं भरेगा, ठीक है ना। कस्तूरी तो मृगा नाभ बसत है, बन बन भटके मृगा खोजी, थक गहरे जब मृगा खोजी, मृग तृष्णा तुरित मरे जी। ये और कुछ नहीं है, मृग ये हम ही हैं। मृग होता है ना, मृग मृग के कस्तूरी होती है नाभि में, होती तो उसकी नाभि में है। जब वो जवान हो जाता है तो उसको महक आने लग जाती है, वो समझता है कि ये महक बाहर से आ रही है। उस महक को पाने के लिए वो घास सूंघता फिरता है, घास सूंघता फिरता है, किसी घास से मिल जाए, किसी घास से मिल जाए। जब उसको मिलती नहीं बाहर से, तो एक दिन थक जाएगा वो, कहीं नहीं मिलेगी तो घूमते घूमते भटकते भटकते थक जाएगा। थक के वो आराम करेगा, आराम करेगा तो वो पाएगा कि अरे ये महक तो मेरे पास ही है, मेरे अंदर से ही आ रही थी, वैसे ही भटक रहा था मैं। यही कहता हूँ कि तुम संसार को खोज खाज के जब थक जाओगे ना कि इसमें तो कुछ नहीं है, मर्ग तृष्णा तुरंत मरे जी, फिर तुम ध्यान में चले ही जाओगे। जब तुम्हारी जो तृष्णा मर सकती है, जब संसार से थक जाओगे, इसकी ओर से तुम्हारा पेटा भर जाएगा, तुम तो चीज़ जो खोज रहे थे वो तो भीतर ही थी, तुम पाओगे ये तो भीतर ही थी। घट माही वो ज्योत जलत है, घट माही वो ज्योत जला है, घी की ज्योत बाहर जलावे, समझे ना। आँख तीसरे की पलक खुलत है, आँख तीसरी की पलक खुलाता है, अंत्यकरण को रोशन करे जी। हम जो बाहर ज्योत लगाते हैं ना, घी की लगाते हैं, तेल की लगाते हैं, किसी भी चीज़ की लगाते हैं, किसी देवता के अवतार की, किसी की भी लगाते हैं, ये ज्योत बाहर लगाने की तुमने जरूरत नहीं, वो कुदरतन ज्योत तो तुम्हारे अंदर है। बाहर की ज्योत तो तुमको भटका रही है कि बाहर है, वो ज्योत तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाएगी तो रोशनी हो जाएगी अंदर, फिर जो तुम्हारा अंत्यकरण रोशन हो जाएगा, भीतर अंधेरा नहीं हो जाएगा, तुमको ज्ञान हो जाएगा। वो नाद तो भीतर बजता है, शंख घड़ावल बाहर बजावे, कट अपने की सुध लेवे तो अंतर बाणी सुबर भरे जी। तो अंतर बाणी का क्या मतलब है, ये बाहर जो है घंटे बजाते हैं, टाल बजाते हैं, बाहर बजाते हैं ना, तो ये जो है बाहर मंदिरों में लटका रखे हैं, ये अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। ये तो बाहर तुम्हें भटकाने के लिए लगा दें कि लोग यहाँ लगे रहें, रोजी रोटी मन पुजारियों की बनी रहे। अगर हम बता दें भीतर हैं तो कौन जाएगा टाल बजाने, अंदर ही बज रहे कौन जाएगा शिवालय में टाल बजाने, शंख बजाने। ये तो भीतर ही बज रहे, लेकिन बाहर बजा दिए ये, क्योंकि उनका पेटा चलता रहे, उनका मान सम्मान होता रहे, सब उनका रोजगार चलता रहे, इसलिए बाहर भी खड़े अटका दिए। तो ये हैं तो अंदर, ये अंतर बाणी सुभर भर है जी। एक तो ये आवाज़ है तुम्हारे अंदर, घंटी की आवाज़ आ जाएगी, शंख की आवाज़ आ जाएगी, बीन की, बांसुरी की, अनेकों प्रकार की धुनें तुमको सुनाई दे सकती हैं। अंतर बाणी जब जिसके अंदर आ जाएगी वो आनंद से भर जाएगा। लेकिन अंतर बाणी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये तुम्हें नाद सुनाई दे ध्यान में, ये ही अंतर्वाणी नहीं है सिर्फ, इससे गहरी भी एक अंतर्वाणी है। वो आत्मा की आवाज़ है, जिसका पहले ही मैंने जिक्र किया था कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनाई दो। वो तुमको धुन के रूप में सुनाई तो नहीं देती आत्मा की आवाज़, लेकिन एक बड़ा भारी उपदेश होता है। तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम्हारे लिए एक बड़ा भारी उपदेश होता है, लेकिन वो तुमको सुनाई नहीं देता, वो लिखा हुआ भी दिखाई नहीं देता। तुमको महसूस होता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। एक ऐसी वाणी भी है ना, वो वाणी भी जिसके अंदर खुल जाती है और ये धुन नहीं खुलती तो उसका भी काम दौड़ता है। ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर धुन नहीं खुली, अगर तुम्हारे अंदर ये अंतर्वाणी खुल गई है, जो महसूस करते हो आत्मा की आवाज़, अंतर्वाणी उससे भी गहरी है, उससे भी तुम्हारा काम अच्छा चलेगा। है ही मूल वाणी वो,
तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज़ जिसको तुम सुन नहीं सकते महसूस कर सकते हो। जैसे समझाने के लिए मैं बताऊं, जैसे एक आदमी है और वो पेड़ पर बैठा है और पेड़ की डाल टूट जाती है, पेड़ पर बैठा है पेड़ की डाल टूट जाती है और वो गिरने लगता है। अचानक साइड में जो डाल है उसको पकड़ लेता है, वो गिरता वो नीचे का डाला तो टूट गया और वो गिरने लगा, तो उसने अचानक साइड का जो डाल है उसको पकड़ लिया और वो बच गया। ये आप थोड़ी सोचो कि ये किसने कह दिया कि साइड की डाल को पकड़ ले, गिर रहे हो, किसने कह दिया कि साइड की डाल को पकड़ लो? का वहाँ पर कोई अवतार खड़ा है या शास्त्र खड़ा है, कोई धर्म खड़ा है, कोई भगवान खड़ा है, कोई गुरु खड़ा है, बताओ मेरे को, खड़ा हो तो। लेकिन वो डाल क्यों पकड़ लिया, किसने बता दिया कि डाल पकड़ ले? ये अंतर्वाणी है, इसका मतलब अंतर उपदेश है, उसकी आत्मा ने अंदर से कह दिया कि डाल पकड़ ले, उसने पकड़ लिया। यही कह रहा हूँ, आत्म अनुसरण करोगे तो तुम गिरोगे नहीं, डाल पकड़ ही लोगे। इतनी जल्दी प्रेरणा भी हो गई गिरते गिरते, इतनी जल्दी तुमने पकड़ भी लिया, इतना तेज काम है उस चीज़ का, तुम्हारी सजगता का, ये तुम्हारी सजगता का प्रमाण है कि गिरते गिरते डाल भी पकड़ लिया। तुम सजग हो, तुम जागृत हो, तुम शास्त्र हो, तुम धर्म हो, गुरु तुम्हारे अंदर है प्रेरणा करने वाला कि डाल पकड़ ले, परमात्मा तुम्हारे अंदर है कि डाल पकड़ ले, वो तुम्हें महसूस हुआ लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें महसूस भी ना हुआ हो, लेकिन डाल तुमने पकड़ लिया। समझ गए इस बात को, अंतर्वाणी को, अंतर्वाणी हुई, उपदेश हुई, गिर रहा है, डाल पकड़ लेके बच जाएगा, थोड़ी सी बात में बस महसूस आ रहा ऐसा हो गया, वो ऐसी वाणी है, इतनी सूक्ष्म वाणी है, उसको पहचान लो तुम, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सुन्न शिखर से गंग बहत है, बार करे जलधारा जी, सच्चैतन्य अमी का सच्चैतन्य से योग करे थे मन की तपन तुरंत मरे जी। ये जो गंगा होती है ना, शिव जी के सर से निकलती हुई दिखाते हैं, इसका अर्थ यही है कि ये तुम्हारे सिर में भी है। तुम साधना करोगे तो अमी जो है यहाँ तुम्हारा ऊपर का सिर का हिस्सा वो ठंडा रहने लग जाएगा, सिर का चोटी वाला हिस्सा वो ठंडा रहने लग जाएगा। तुम ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, तुम पवित्र रह करके आत्म अनुसरण करोगे, अगर अपनी आत्मा में ठहरोगे, ये सिर का ऊपर का हिस्सा ये ठंडा रहने लग जाएगा और वो ठंड धीरे 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 तुम्हारे तलवियों तक चली जाएगी, तुम्हारा जीवन ही शांत हो जाएगा, सारा जीवन शांत हो जाएगा। ऐसी चीज़ हमारे ऊपर है सिर में, लेकिन ध्यान करोगे तो तब वो नीचे की ओर आएगी वो धारा, वही असली गंगा है। इस बाहर की गंगा में तो गोते मारते रहो, एक आधा डूब भी जाता है उसमें गोते मारते वक्त, तो ये अंदर की गंगा है, ये झर रही है, इसमें स्नान कर लो, ये तुम्हारे अंदर ही है। जैसे ये बाहर बाव्य लोग करते हैं ना जलधारा, सर्दियों में एक मटका चढ़ा दिया आज भर के, उसके नीचे सुराख कर देते हैं, उसके नीचे बैठ गए, कल एक और चढ़ा दिया मटका, फिर और चढ़ा दिया, ये 41 मटके चढ़ाते हैं इस तरह से, 41 मटों में स्नान करके वो समझ लेते हैं कि हम तो पवित्र हो गए, पार हो गए, लेकिन कुछ नहीं होते, अहंकार एक तैयार हो गया, अहंकार के इतने मटकों में स्नान कर लिया, इतने लोग माला लेकर खड़े हो गए, इतनी मेरी वाह वाह हो रही है, इतना सब कुछ हो गया। उससे ज्ञान नहीं होता, वो तो एक हठ योग है, ज्ञान नहीं होता है उससे, बस पूजा बढ़ जाती है बाहर की, और अज्ञान का रास्ता उससे अज्ञान बढ़ता है। ऐसी जलधारा हमने नहीं करनी, क्यों करनी है, नहीं करनी है, वो तो सच्चैतन्य से योग करे तो मन की तपन तुरंत मरे जी। बस सच्चैतन्य तो तुम योग करोगे तो ये मन नहीं रहेगा, फिर मन शांत हो जाएगा, सब अंदर से मिल जाएगा, सच्चैतन्य से मतलब पवित्र चैतन्य से, अपने पवित्र चैतन्य से भीतर तुम योग करोगे तो सब ठीक होता चला जाएगा। तो लंबा मैंने सत्संग थोड़ा सा कर दिया, मैं भी नहीं चाहता था कि इतना लंबा कर दूं, लेकिन बात समझाने माती नहीं थोड़ी सी देर में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाता गया। तो ये इतना सत्संग मैंने सुना दिया, आत्म योग के बारे में सुनाया है मैंने, ये सारा का सारा सत्संग ध्यान के बारे में सुनाया है, ये सुनाया है कि तुम अपने आप पर लौट आओ और अपने में ठहर जाओ और अपना अनुसरण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज का सत्संग इतना सच्चेतन, आत्मयोग अपनाइए और स्वयं पर लौटिए।
जानिए अपने आप को, आत्मयोग एक बहुत छोटा स्वाभाविक और वैज्ञानिक मार्ग है। यह प्रत्येक का अपना व पूरे विश्व का मार्ग है। आत्मयोग से स्वास्थ्य, समाधि और आत्म अभिव्यक्ति को सरलता से पाया जा सकता है। ऐसे आत्मयोग के लिए हम आपके लिए ये आत्मयोग नाम की एक पुस्तक लाए हैं। इसके 342 पेज हैं। इस पुस्तक में जहां पूर्ण आत्मज्ञान का वर्णन है, वहीं ध्यान की 8 आधुनिक व वैज्ञानिक विधियों का वर्णन भी है। ये पुस्तक नई और पूर्ण अध्यात्म को जन्म देती है और क्रांतिकारी है। पुस्तक को पढ़ना चूके तो पूर्ण सत्य व पूर्ण समाधान के मार्ग से चूक जाएंगे। पुस्तक पाने का पता है चैतन्य धारा सच्चेतन आश्रम, रोहतक रोड, मध्य महारा और गोहाना। फोन नंबर 9416959634।